सबसे पहली बात तो मैं आज ये बोल रहा था डायरेक्टर से हमारे नितिन जी से, जिनके साथ मैंने भी एक फिल्म करी, LAC अभी आने वाली है, कि मैं इतने समय बाद एक थिएटर में बैठ के कुछ देख रहा हूँ कि उसका प्लेजर अलग है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, द ट्रेलर आई सॉ सयोनी का, इट्स वेरी नाइस, इट्स एक्शन पैक्ड, इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल शॉट एक्सपेंसिव फिल्म, एंड मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म दैट्स गोइंग टू कम आउट. सो या आई विश देम ऑल द बेस्ट. बहुत मैं बचपन में, मतलब स्कूल टाइम पे बहुत सुनता था, और अब उसका जो ये नया वर्जन सुना ये भी बहुत हिट होने वाला है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, कि उनको इतना अच्छा गाना इस फिल्म में डालने को मिला. एंड जो टाइटल सॉन्ग है, दैट सच अ सॉन्ग विच इज़ एनी वे हिट विद द ऑडियंस, एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पैंडेमिक है, चीज़ें अभी बहुत कंट्रोल में नहीं आई हैं, वैक्सीन्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक मास्क एंड सैनिटाइज करके अपने हाथों को, एंड सिनेमा हॉल्स भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके वापस उन्होंने खोला है अपने बिजनेस को. सो प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म्स एंड सपोर्ट सिनेमा हॉल्स, बिकॉज अगर हम सपोर्ट आज नहीं करेंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब शायद हमें वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो अभी मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट द सिनेमाज, एंड जो थिएट्रिकल रिलीज होती है फिल्मों की, लाइक सयोनी की जो होने वाली है, सपोर्ट दैट, गो एंड वॉच द फिल्म इन अ थिएटर, एंड जस्ट मेक इट अ सुपर हिट. थैंक यू.